हाय एवरीवन, दिस इज़ विरोनिका। आज हम बात करने वाले हैं जॉनसन एंड जॉनसन्स की। आप सबने इस कंपनी के बारे में सुना होगा। अब रिसेंटली कुछ लैब की रिपोर्ट्स हैं जो ये बता रही हैं कि जॉनसन एंड जॉनसन्स का जो बेबी शैम्पू है, हमारे घर में हम लोग यूज़ करते हैं, एड में इनका टैगलाइन भी है नो मोर टीयर्स, राइट, उसको हम यूज़ करते हैं, लेकिन उस लैब ने बताया कि इसमें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिससे कैंसर हो सकता है, यानी वो कार्सिनोजेनिक हैं। तो यही इसके बारे में आज हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे, क्योंकि जॉनसन एंड जॉनसन्स पे ऐसे जो आरोप हैं विद टाइम, कभी इनके टैल्कम पाउडर पे, कभी इनके हिप जॉइंट्स पे, हिप इम्प्लांट्स पे, इस तरह के केसेस होते रहते हैं। तो इसी चीज़ को आज हम एनालाइज करेंगे। मेरे वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे। ये है हमारा चैनल स्टडी आई क्यू। अगर आप किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। अगर आप इन कोर्सेज के बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट पे हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में मिल जाएगा। अब चलिए न्यूज़ की बात करते हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में बात करने वाले हैं। 24 बॉटल्स जो हैं जॉनसन एंड जॉनसन बेबी शैम्पू की, उनको रैंडमली दो बैचेस में राजस्थान की एक लेबॉरेटरी में टेस्ट किया गया। इस टेस्ट से ये रिजल्ट सामने आया कि जो दो बैचेस थे जॉनसन जॉनसन्स के बेबी शैम्पू के, जो शैम्पू सैम्पल्स थे, उनमें एक केमिकल पाया गया। उस केमिकल का नाम है फॉर्मेल्डिहाइड, और फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो एक नॉन कार्सिनोजन है। कार्सिनोजन यानी कैंसर कॉजिंग, उससे कैंसर हो सकता है। और आपको पता ही होगा कि थोड़े समय पहले ही जॉनसन एंड जॉनसन जो बेबी पाउडर है उस पर भी कैंसर कॉजिंग एक सब्सटेंस मिला था जिसका नाम था एस्बेस्टोस। ये दोनों चीज़ें आप रिलेट कीजिए कि जॉनसन एंड जॉनसन पे ही बार बार क्यों आरोप लगते हैं। और ये रिजल्ट आने के बाद जो राजस्थान ड्रग कंट्रोलर है, उन्होंने संडे को ही पूरे कंट्री में ये जो रिपोर्ट्स हैं रेलेवेंट अथॉरिटीज़ को वो भेज दी। और जो राजस्थान के ड्रग कंट्रोलर हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने इन शैम्पूज़ में हायर अमाउंट, यानी कंपनी जितना अमाउंट बोलती है उससे हायर अमाउंट में फॉर्मेल्डिहाइड को पाया है। देखिए, इस चीज़ पे जॉनसन एंड जॉनसन का ये बयान आया कि हम ये जो इंटरिम रिजल्ट्स हैं जो हमें दिए गए हैं, हम इसको नहीं मानते। गवर्नमेंट को डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा कि क्या टेस्ट मेथड्स उन्होंने यूज़ किए हैं, उनको डिटेल्स बतानी होंगी क्वांटिटेटिव फाइंडिंग्स के लिए। कंपनी ऐसा इसलिए कह रही है कि उनका मानना है क्योंकि कोई प्रिस्क्राइब्ड टेस्ट मेथड नहीं है फॉर्मेल्डिहाइड को टेस्ट करने के लिए शैम्पू में एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स के अंदर। तो गवर्नमेंट किस तरीके से बोल रही है कि इसमें ज़्यादा अमाउंट में फॉर्मेल्डिहाइड पाया गया है। और कंपनी तो ये भी दावा कर रही है कि हमने इंडियन अथॉरिटीज़ के साथ कंफर्म किया है कि फॉर्मेल्डिहाइड जैसा इंग्रेडिएंट हम यूज़ ही नहीं करते हमारे शैम्पू के, जब शैम्पू बनाते हैं उसमें ये इंग्रेडिएंट डाला ही नहीं जाता। और कंपनी का मानना है कुछ समय पहले ही उन्होंने इस तरह के जो सब्सटेंसेस हैं उनका यूज़ करना बंद कर दिया था, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड हो गया या 1,4-डायोक्सेन हो गया, जो कार्सिनोजेनिक तरह के तत्व हैं उनका यूज़ करना कंपनी काफ़ी समय से बंद कर चुकी है। अब देखिए, इसके चलते जॉनसन एंड जॉनसन पे जब आरोप लगते ही रहते हैं, बाकी प्रोडक्ट्स भी स्क्रूटनी के अंदर आ जाएंगे, चाहे वो फिर पाउडर हो या इसके शैम्पूज़ हों, सोप्स हों या कोई भी, वो सब चीज़ें भी स्क्रूटनी के अंदर आ जाएंगी। अब हम बात करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड की, कि फॉर्मेल्डिहाइड क्या। देखिए, वैसे इसका सिस्टमिक नेम मेथेनल है और ये एक नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका फॉर्मूला आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म है एल्डिहाइड्स की ये। और इसका जो नाम है फॉर्मेल्डिहाइड, जो इसका सिमिलैरिटी है फॉर्मिक एसिड के साथ, इसलिए इसको फॉर्मेल्डिहाइड कहा जाता है। और काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रीकर्सर भी है, काफ़ी मटेरियल्स और केमिकल कंपाउंड्स को बनाने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, जैसे इंडस्ट्री में रेजिन्स बनाने हो, पार्टिकल बोर्ड या कोटिंग्स, उन सब में फॉर्मेल्डिहाइड को यूज़ किया जाता है। लेकिन अब बात करते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड को कैंसर के साथ क्यों जोड़ा जाता है। देखिए, फॉर्मेल्डिहाइड एक कलरलेस स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग गैस है जो कि बहुत ही जल्दी अगर हवा में जाती है तो ब्रेक डाउन हो जाती है और पानी में डिजॉल्व भी हो जाती है, बट ज़्यादा देर तक लास्ट नहीं करती। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ कैंसर जो है, उनकी एक स्टडी है जहाँ पे इन्होंने बताया कि जो डिसॉल्व फॉर्मेल्डिहाइड है इसको प्रिजर्वेटिव की तरह काफ़ी ज़्यादा फूड्स और प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है। इवन कि जो हम एंटीसेप्टिक्स यूज़ करते हैं, मेडिसिंस यूज़ करते हैं, कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं, वहाँ पे भी फॉर्मेल्डिहाइड का इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखने की आई, कई बार
फॉर्मेल्डिहाइड को डायरेक्टली यूज नहीं किया जाता, लेकिन कुछ इस तरह के सब्सटेंसेस यूज किए जाते हैं जो कि फॉर्मेल्डिहाइड रिलीज करते हैं। जैसे जॉनसन एंड जॉनसन केस में भी ये चीज आ सकती है, क्योंकि कंपनी दावा कर रही है वो फॉर्मेल्डिहाइड नहीं यूज करती, लेकिन मे बी वो कुछ इस तरह के सब्सटेंसेस यूज कर रही हो जो कि फॉर्मेल्डिहाइड रिलीज करती हो। और काफ़ी इस तरह के लैब एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं जो बताते हैं कि अगर लॉन्ग एक्सपोजर फॉर्मेल्डिहाइड का रहता है लोगों को, तो उससे ह्यूमंस में कैंसर हो सकता है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पे दिक्कत की क्या है, जो IARC है, आपका इंटरनेशनल एजेंसी ऑफ रिसर्च ऑन कैंसर, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, उन्होंने फॉर्मेल्डिहाइड को कार्सिनोजन कैटेगरी में ही रखा है। कार्सिनोजन में आपको बता चुकी हूँ, जिससे कैंसर हो उसको हम कार्सिनोजन बोलते हैं, कैंसर कॉजिंग, उन्होंने इसी तरह से इसको क्लासिफाई कर रखा है। और इवन कि US डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज ने भी फॉर्मेल्डिहाइड को नॉन ह्यूमन कार्सिनोजन में June 2011 में ही ऐड कर दिया गया था। अब बात करते हैं, क्या जिस क्वांटिटी में ये जॉनसन एंड जॉनसन में पाया गया है, क्या ये सच में डेंजरस है? देखिए, अगर बहुत ही टाइनी अमाउंट्स में ये प्रेजेंट हो फॉर्मेल्डिहाइड शैम्पूज में, तो ये हार्मलेस रहता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात ही IARC की वजह से आ रही है, क्योंकि IARC ने इसको ह्यूमन कार्सिनोजन कैटेगरी में क्लासिफाई करके रखा है। और ये जो क्लासिफिकेशन है IARC की, ये किसके पे बेस्ड है, कि जो लोग ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, जिनको स्ट्रॉन्ग फॉर्मेल्डिहाइड फ्यूम्स से एक्सपोज होना पड़ता है, वो एक दिन में कई घंटे जो है इंडस्ट्री में काम करते हैं और उनको एक्सपोजर होता है फॉर्मेल्डिहाइड का। इस वजह से IARC ने इस बेसिस पे इसको कार्सिनोजन जो है कैटेगरी उसमें रखा है। और इन वर्कर्स में देखा गया था, इनको नासोफेरिंजियल कैंसर्स जो हैं ये डेवलप हो जाते हैं लॉन्ग एक्सपोजर जब फॉर्मेल्डिहाइड का होता है। इसलिए काफ़ी जो ग्लोबल रेगुलेटरी एजेंसीज हैं उन्होंने सेफ एक्सपोजर लिमिट्स जो हैं इस केमिकल की वो रखी हैं, राइट? तो आप देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में इसको डेंजरस बोला गया है। अगर हम बात करें कि हर दिन हम कितने फॉर्मेल्डिहाइड को के आगे एक्सपोज होते हैं, तो देखिए फॉर्मेल्डिहाइड हमारे आगे पीछे हर जगह है। जो खाना हम पैक्ड फूड खा रहे हैं, पैकेज्ड फूड्स खा रहे हैं, उसमें फॉर्मेल्डिहाइड हो सकता है, फ्रूट्स में हो सकता है, फिश में हो सकता है। और जो हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आपकी फर्नीचर की पॉलिश होती है, उसमें भी फॉर्मेल्डिहाइड होता है। और इनफैक्ट जो ह्यूमन मेटाबॉलिज्म है उसमें भी बाय प्रोडक्ट है फॉर्मेल्डिहाइड, हमारी ही बॉडी में ह्यूमन मेटाबॉलिज्म में एक बाय प्रोडक्ट है। 2005 में एक स्टडी आई थी रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी एंड न्यूरोबायोलॉजी, और उन्होंने देखा था कि जब हम सांस लेते हैं ह्यूमंस, जो एक्सहेल करते हैं उसमें भी फॉर्मेल्डिहाइड होता है कुछ मात्रा में। अब हम आते हैं कि ये जो बेबी शैम्पू है इससे कितना रिस्क है, क्योंकि हम इस चीज़ को पूरा एनालाइज कर रहे हैं। देखिए, सिर्फ शैम्पू में ही नहीं, बहुत सारे इस तरह के पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ, जहाँ पे इस तरह के केमिकल्स यूज़ होते हैं जो कि रिलीज करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, राइट? जैसे यहाँ पे कुछ नाम दे रखे हैं, क्वाटर्नियम 15, मिथेनामाइन, राइट? ये फॉर्मेल्डिहाइड रिलीज करते हैं। इनको ऐड किया जाता है क्योंकि जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो बैक्टीरिया और फंजाई को मार देता है। देखिए, क्योंकि उससे बैक्टीरिया फंजाई से कॉस्मेटिक यूजर्स को खतरा रहता है, इसलिए भी ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। अब फॉर्मेल्डिहाइड और जो कि क्वाटर्नियम 15 है, इन दोनों से ही स्किन एलर्जीज भी हो सकती हैं, और डिपेंड करता है किस लेवल में ये शैम्पू में प्रेजेंट हैं। अब काफ़ी इस तरह की स्टडीज़ हुई हैं और जो स्टैंडर्ड्स हैं वो सेट किए गए हैं, तो अब यही डिपेंड करता है कि जिस तरह से कंपनी भी डिमांड कर रही है, किस टेस्ट से राजस्थान की लेबॉरेटरी ने इसको टेस्ट किया है और क्या वैल्यू निकल के सामने आई है, उस पर डिपेंड करता है कि कितना खतरा इससे हो सकता है। और डेफिनेटली जब बच्चों पे यूज़ हो रहा है, छोटे बच्चों पे ये शैम्पू यूज़ हो रहा है, तो हमको इस तरह के जो सब्सटेंसेस हैं उनको अवॉइड ही करना चाहिए। बट यहाँ पे फिर भी एक चीज़ निकल के सामने आती है कि चाहे फॉर्मेल्डिहाइड और इस तरह के जो ये सब्सटेंसेस हैं, ये एलर्जीज जो हैं वो क्रिएट करते हैं जब इनको हायर लेवल पे यूज़ किया जाए, लेकिन फिर भी शैम्पू जैसे प्रोडक्ट्स में ये जो रिस्क है वो छोटा हो सकता है, क्योंकि ये रिंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि हम इनको लगा के नहीं रखते, इनको पानी से धो देते हैं।
प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा तब आती है उन कॉस्मेटिक्स के लिए जब वो स्टे ऑन प्रोडक्ट्स हों, कि आपने कोई लोशन लगाया वो बॉडी पे ही रहेगा, तब लॉन्ग एक्सपोजर से काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट मिनिमम रिस्क है अगर शैम्पू के केस में देखा जाए तो। फिर बात करते हैं, अगर फॉर्मल्डिहाइड इतना ही खतरनाक है जितना हमने डिस्कस किया, तो J&J जो जॉनसन एंड जॉनसन है वो इसको यूज़ क्यों करता है? देखिए, वैसे तो कंपनी ने डिनाई कर दिया है कि वो यूज़ नहीं करते, और कंपनी ने ये भी बताया कि जिस तरह से मैंने आपको जो ये प्रोडक्ट का नाम बताया, क्वार्टरनियम 15 जो सब्सटेंस है, कंपनी ने कहा कि उन्होंने इस फॉर्मुलेशन को सोडियम बेंजोएट से रिप्लेस कर दिया है जब उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म जो इन्वायरमेंटल वर्किंग ग्रुप्स हैं उनसे मिला। और यूज़ ऑफ फॉर्मल्डिहाइड की जहाँ तक बात है, जितने भी मीडिया हाउसेस ने जॉनसन एंड जॉनसन से पूछा, वो अगेन एंड अगेन इस चीज़ को डिनाई ही कर रहे हैं कि वो फॉर्मल्डिहाइड यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पे यही डिपेंड करता है कि जो ड्रग लेबोरेटरीज हैं, जबकि वो कह रहे हैं कि कोई प्रिस्क्राइब मेथड नहीं है फॉर्मल्डिहाइड की क्वान्टिटी देखने का, तो वो बताएँ कि किस तरह का प्रोसेस उन्होंने यूज़ किया है। तो अब देखिए, क्या आपको डरने की ज़रूरत है? यहाँ पे जॉनसन एंड जॉनसन का जो है बयान यहाँ पे लिखा है। देखिए, अब यहाँ पे बात आती है, क्या आपको डरने की ज़रूरत है कि अगर आप यूज़ करें तो? डेफिनेटली जब इस तरह की खबर मार्केट में आएगी, कंपनी की चीज़ें बिकना भी कम हो जाएंगी, क्योंकि कोई भी अपने घर में इस तरह की, वो भी स्पेशली बच्चों पे, इस तरह का प्रोडक्ट यूज़ करना नहीं चाहेगा। लेकिन हमको बहुत ज़्यादा भी डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जिस तरह का फॉल्टी हिप प्रोस्थेटिक जो था जॉनसन एंड जॉनसन का जो केस चला था बहुत ज़्यादा, उससे जो कंज्यूमर्स का ट्रस्ट है कंपनी पे, वो ऑलरेडी बहुत कम हो चुका है। अब जहाँ तक की फॉर्मल्डिहाइड की बात है, जो एविडेंस है कि ये केमिकल प्रेजेंट है बेबी शैम्पू में, वो बहुत कम है। तो इसलिए जो रिस्क है कैंसर कॉजिंग का, अगर आप डिटेल में देखेंगे साइंटिफिक तरीकों से, तो वो भी बहुत कम है, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये एक रिंस ऑफ प्रोडक्ट है। बट डेफिनेटली अब पूरा जब फिर से एक बार जांच तो इसकी होनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान लेबोरेटरी ने क्या मेथड अपनाया है, और एक जो है इसमें कंक्लूजन निकल के सामने बड़ी अथॉरिटीज़ की तरफ से आना चाहिए। और अगर सच में फॉर्मल्डिहाइड ये लोग यूज़ कर रहे हैं लार्ज क्वांटिटीज़ में, तो इस कंपनी को अब बंद ही कर देना चाहिए इंडिया में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑलरेडी इनके खिलाफ केसेस आ चुके हैं। और वे फॉरवर्ड यहाँ पे यही होगा कि इंडिया को इस तरह के टेस्ट डिफरेंट कंपनीज़ के लिए हमेशा टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए, डिफरेंट बैचेस कहीं से भी उठा लेने चाहिए और चेक करते रहना चाहिए, ताकि एक डेटरेंस बना रहे कि इस तरह के सब्सटेंसेस कोई भी कंपनी हिम्मत ना करे यूज़ करने की। राइट, आप इस बारे में क्या सोचते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यही था हमारा आज का लेक्चर। आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईमेल, इंस्टाग्राम, फेसबुक।